कंट्रोवर्सी क्वीन कही जाती हैं अर्शी खान, भारत से लेकर पाकिस्तान तक में मचाया था बवाल। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट रह चुकी अर्शी खान का विवादों से पुराना नाता है। वह अक्सर अपने विवादित बयानों और हरकतों के कारण खूब सुर्खियां बटोर चुकी हैं। अर्शी खान को कंट्रोवर्सी क्वीन कहना गलत नहीं होगा। एक दो बार नहीं बल्कि कई बार वह अपने सनसनीखेज बयानों को लेकर चर्चा में आ चुकी हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली अर्शी खान पड़ोसी देश पाकिस्तान तक मशहूर हैं। अर्शी खान अपना 30वां जन्मदिन मना रही हैं। तो चलिए जानते हैं अब तक अर्शी का नाम किन किन विवादों में घसीटा जा चुका है। अक्टूबर 2016 में पुणे मिरर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पुणे सिटी पुलिस ने एक सेक्स रैकेट मामले में अर्शी को हिरासत में लिया था। अर्शी के अलावा विपुल दहल नामक एक शख्स, जिन्हें अर्शी का एजेंट बताया गया था, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं अर्शी गोवा के भी एक सेक्स रैकेट में फंसी थी। गोवा पुलिस ने एक होटल में अर्शी को गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट के मुताबिक अर्शी ने पुलिस वालों को काफी समझाया था कि वह इससे जुड़ी हुई नहीं है और इसके बाद वह मुंबई आ गई थी। अर्शी खान ने साल 2015 में एक बयान से सनसनी मचा दी थी। एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ बेड शेयर किया था। इसके बाद अर्शी ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा था कि क्या मुझे किसी के साथ सोने के लिए भारतीय मीडिया की अनुमति चाहिए, यह मेरी निजी जिंदगी है। अर्शी खान ने एक बार अपने पूरे शरीर पर पाकिस्तान का झंडा पेंट करवा लिया था। इस पर भारत पाकिस्तान दोनों ही देशों में जमकर विवाद हुआ। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने बताया, यह सीन एक छोटे बजट की फिल्म का हिस्सा था जो कभी रिलीज नहीं हुई। अर्शी का एक और वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने शाहिद अफरीदी और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए न्यूड होने की बात कही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा था कि अगर अफरीदी, धोनी या कोहली शतक लगाते हैं तो वह न्यूड फोटोशूट कराएंगी। अर्शी खान ने एक फिल्म साइन करने के दौरान भोजपुरी फिल्मों के प्रोड्यूसर को सरेआम थप्पड़ मार दिया था। यह वीडियो क्लिप काफी वायरल हुई थी। इसके बाद अर्शी ने अपने सफाई में कहा कि फिल्म में काम करने की बात हो रही थी और ऐसे में प्रोड्यूसर मुझे गलत ढंग से छू रहा था, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर साझा करें और इसी प्रकार की ट्रेंडिंग न्यूज जानते रहने के लिए ट्रिगर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।